सब्सक्राइब बटन प्रेस द बेल आइकन फॉर नो गुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कई सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स या फिर डांसर्स निकलते हैं. सो कश्मीर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है और लोग जाना पसंद करते हैं. क्या आप अब जब 370 हट गया है तो वहाँ पे भी एक एक्टिंग स्कूल खोलेंगे वहाँ के लोगों के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं? कश्मीर में मैंने एक फिल्म बनाई थी कर्मा 1987 में और हमें इतना अच्छा लगा था और कर्मा फिल्म आपने देखी भी है. और कश्मीर जाते ही हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ के ही स्वर्ग में आए हैं. और अभी जो 370 हटाया गया है उससे हमारा अपनापन एक इमोशन ज़्यादा जुड़ गई है उससे. हम उस वक्त जब भी जाते थे लगता था कि किसी थोड़े से परदेश में है, मतलब पड़ोसी है लेकिन परदेश का है. आज वो हमें देश लगता है. आज उनके बच्चे भी जो हैं उनको भी नौकरियां कितनी मिलेंगी, इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, फिल्म स्कूल मिलेंगे, लॉ के डॉक्टरी के इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी. तो मैं फ्यूचर देख सकता हूँ कश्मीर का कि एक नए किस्म का ही स्टेट बनेगा. आई थिंक कश्मीर विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्टेट इन कमिंग ईयर्स. क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें बहुत पुराना है, 100 साल का 150 साल के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं. ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर से जब बनेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा. अब देखिए वेल प्लान्ड होगा और वहाँ की जनता के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा है, मैं समझता हूँ.